चलो आज हम देखेंगे वन पीस। ये है पुराना वर्स और ये है नया वर्स। और ये दोनों के दोनों हैं बेरोजगार और शायद तुम भी। ओ फक, ये क्या बोल दिया। यू नो इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो वन पीस एक काफ़ी अंडररेटेड एनिमे कहलाया जाता था 2018 में, बिकॉज उस समय कोई भी इस एनिमे को उतना ज़्यादा नहीं देखता था इसके एपिसोड्स के कारण। लेकिन समय बदल चुका है और एनिमे कम्युनिटी अब इतनी ज़्यादा बढ़ गई है इंडिया में कि गली गली के कुत्ते तक एनिमे देखने लग गए। अबे ओ कात में रहे। वेल, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि छोटे छोटे एनिमेस भी कंप्लीट नहीं कर पाता और उसके लिए वन पीस तो नहीं हो सकता। तो मेरे जैसे लोगों के लिए नेटफ्लिक्स ने सोचा कि चलो इसको इंट्रोड्यूस कराते हैं कैसी दुनिया से, जहां है काफी सारे समुद्र, पायरेट्स, खजाने, लड़ाइयां एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट काफी बड़े बड़े बबल्स। ये कौन लिख गया बे? अबे तू ही तो है, दूसरों पे क्यों नाम डालता रहता है बार बार। वेल, फाइनली मेरा ये पहला टाइम था जब मैंने कोई लाइव एक्शन सीरीज को कंप्लीट किया है एनिमे की। मैंने इससे पहले एओटी का देखा था जो कि बहुत ही ज्यादा भाई टट्टी था। क्या बताऊं क्या था वो। खैर, अगर हम बात करें वन पीस की तो मेरे को नहीं लगता कि कोई भी न्यू वॉचर इस सीरीज को हेट करेगा। वेल, न्यू वॉचर जिनको वन पीस के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, मेरे हिसाब से उनके लिए ये जो सीरीज है वो परफेक्ट है। इस सीरीज में खामी वही लोग निकाल सकते हैं जो कि वन पीस को ऑलरेडी देखते आए हैं और वो उनके फैन है। लेकिन वन पीस के फैंस तक बोल रहे हैं कि ये लाइव एक्शन काफी ज्यादा बढ़िया बनी है और ऐसा ही बनना चाहिए। तुम्हें जान के हैरानी होगी, हैरानी तो नहीं होगी, क्यों होगी, बट ये मेरा पहला एक्सपीरियंस नहीं था वन पीस का, क्योंकि मैंने 2018 में ऑलरेडी वन पीस के 12-13 एपिसोड्स देख रखे थे और उस समय भी वन पीस मेरे को काफ़ी अच्छा लगा था। मैं इस कारण वन पीस को नहीं छोड़ा था कि वो काफ़ी बोरिंग हो रहा था। मैं बस भाई बताया ना, छोटे एनिमेस भी कंप्लीट नहीं कर पाता ये तो बड़ी बात है। लोग बोलते हैं कि वन पीस काफ़ी स्टार्ट में बोरिंग था, लेकिन मेरे को टू बी ऑनेस्ट वो जितना भी मैंने देखा उतना तक तो ठीक ही ठाक लगा। जब लाइव एक्शन की बात आ जाती है तो यहाँ सबसे मेन पॉइंट आ जाता है कास्ट, बिकॉज अगर कास्ट अच्छे नहीं रहे लाइव एक्शन में तो भाई बिल्कुल ही सीरीज से मजा चल देगा। तो अच्छी बात यह है कि ये लाइव एक्शन में मैंने सुना है कि जो ओडा है, जो कि ओरिजिनल एओटी वन पीस के मैंने सुना है कि ओडा जो कि वन पीस के राइटर हैं, उन्होंने खुद इस सीरीज के कास्ट को सेलेक्ट किया है और मैं बोलूंगा कि भाई कास्ट बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसे ही है इस लाइव एक्शन में। और ये तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो कि एक न्यू वॉचर जैसा है, लेकिन जो लोग वन पीस को काफी समय से फॉलो करते आए उन लोग भी काफी सेटिस्फाइड है कास्ट से। लूफी वैसे ही हंसता खेलता है जैसे वो एनिमे में रहता था, और बल्कि भाई लाइव एक्शन में तो मेरे को लगता है कि लूफी और भी ज्यादा स्माइल कर रहा था थ्रू आउट द शो। और ऐसे कैरेक्टर जो कि हमेशा हंसते रहते हैं वो अगर सीरियस हो जाते हैं ना भाई तो वो बहुत ही ज्यादा डोप लगता है। हंसते खेलते कैरेक्टर के अपोजिट में रहता है एक सीरियस कैरेक्टर जो कि है जोरो। एंड भाई जोरो भाई क्या है, जोरो तो पर्सनली भाई क्या दिखता है लाइव एक्शन में। उसकी एक्टिंग भी काफी कमाल की थी, जो भी एक्टिंग करा है, नाम याद नहीं आ रहा, मैकेन्यू ने पता नहीं क्या नाम है, बट या गुड भाई गुड, एक नंबर। वो जो कैरेक्टर में इतना जो एटीट्यूड दिखाया है, इतना जो सीरियस दिखाया है भाई, एक कैरेक्टर तो ऐसा हर एनिमे में होना ही चाहिए भाई, बहुत ही कूल लग रहा था। वेल, तुम देख सकते हो कि जोरो को देख के मैंने कान भी छिदवा लिया है। अबे चल बे झूठे। नामी की बात करें तो मैं बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि भाई नामी इतनी सुंदर लग सकती है लाइव एक्शन में। तो हाँ, कास्ट काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है नामी की, बट अगर एनिमे की बात करूँ तो नामी मेरे को थोड़ी सी ज्यादा चिल टाइप की लगती थी, जो कि लाइव एक्शन में मेरे को नहीं लगा, वैसी वाइब ही नहीं आया। बाय द वे, इसके अलावा भी एनिमे और लाइव एक्शन में काफी बड़ा डिफरेंस था नामी में, जो कि आप खुद से पता लगाओ। मैं कमेंट तुम्हारे लिए ओपन कर रहा हूँ, तू मत खोलना मुँह, तू बिल्कुल मत खोलना, समझा वे, तू बिल्कुल मत खोलना मुँह। सॉरी वॉयलेंस। अगर तुम एनिमे फैन हो तो तुमने ये जरूर से नोटिस करा होगा कि थोड़े बहुत कैमरा एंगल्स और जो भी चीजें थी वो थोड़ा बहुत एनिमे और मांगा जैसी थी, जो कि काफी बढ़िया लगा टू बी ऑनेस्ट। और यार इसमें तो कुछ ऐसे सीन्स भी थे जो कि एनिमे में ही नहीं थे, क्योंकि वो उसमें पॉसिबल ही नहीं थे। लेकिन मेरे को लाइव एक्शन से एक दिक्कत है, मेरे को समझ नहीं आता कि आखिर यार तुम ओपनिंग्स क्यों नहीं डालते लाइव एक्शन में। मैं ये नहीं बोल रहा कि वन पीस की ओरिजिनल ओपनिंग उठा के डाल दो, खुद का एक नया प्रोड्यूस करके कुछ अलग बनाना चाहिए। मतलब एनिमे में इस चश्मिस को देख के कौन ही डरा होगा, लेकिन
ये था इस कैरी भाई थोड़ा। इस फट्टू को तो हर चीज से डर लगता है। एंड मैंने इस लाइव एक्शन को हिंदी डब में देखा था और मैं बोलूंगा कि हिंदी डब इज प्रीटी गुड, मतलब ठीक था भाई। कैरेक्टर्स को जैसी आवाज मिलनी चाहिए थी वैसे ही थी, लेकिन मेरे को बस एक चीज से शिकायत है कि यार हमेशा हिंदी डब में ये रिपीटेटिव पैटर्न ही क्यों देखने मिलता है। तो मैं इससे कोई भाई आर्टिस्ट को वो नहीं बोल रहा कि उन्होंने बेकार काम किया है, नहीं, सभी वॉइस आर्टिस्ट ने हिंदी डब में काफी एफर्ट डाला और तुम वो देख भी सकते हो, काफी अच्छी डब। बट मेरे को लगता है कि हिंदी डबिंग में थोड़े नए आर्टिस्ट को भी आना चाहिए जिनकी आवाज थोड़ी न्यू जैसी हो, ये तो काफी समय से हम सुनते आ रहे हैं। वैसे डेंकी तेरे को कैसा लगा भाई? भाई मेरे पास तो नेटफ्लिक्स ही नहीं है, कैसे देखूं? लेकिन हाँ, मेरे को टूर्नामेंट ऑफ पावर काफी बढ़िया लगा। ओह शिट, हियर वी गो अगेन। तो अगर मेरे को इस लाइव एक्शन को शॉर्ट में रिव्यू करना हो तो मैं बोलूंगा कि भाई ये लाइव एक्शन तुम्हें प्यार में पड़ा देगी वन पीस के वर्ल्ड से। मेरे को नहीं लगता कि लाइव एक्शन देखने के बाद तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगे इसके एंड में देखने से। एंड डेफिनेटली वन डे मैं इस एंड में को जरूर देखूंगा, और जब मैं देखूंगा तब ये कुत्ता नहीं बचेगा। ओ सॉरी, ये तो मर गया पहली। बट फिलहाल मैं चलता हूँ जुजुत्सु काइसेन देखने, बाय बाय। अबे वो मेरी पेडिग्री कहाँ रखा है, खा गया मैं?